ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में वनवास के दिन पूरे होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये भी माना जा रहा है कि पार्टी में उनका कद बढ़ना तय है। जाहिर है ये जब होगा तब होगा। फिलहाल कन्हैया को कांग्रेस उनके गृह राज बिहार से दूर रखे हुए है। इसकी वजह क्या है? क्या कांग्रेस के ऊपर उसके सहयोगी दलों का दबाव है या पार्टी कन्हैया को बिहार तक सीमित करना नहीं चाहती है? आपको याद होगा कि जब कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा था तो उसी समय चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी। ऐसा माना जाता है कि कन्हैया कुमार अपनी पार्टी सीपीआई में असहज महसूस कर रहे थे। उनको राहुल गांधी से पीके ने ही मिलवाया था और पीके ने कांग्रेस के बिहार में पुनरुद्धार का जो रोड मैप तैयार किया था उसमें कथित तौर पर कन्हैया कुमार उसके एक अहम पुर्जा थे। ऐसा माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार और दूसरे नौजवान नेताओं की मदद से कांग्रेस अपना खोया हुआ आधार वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। कन्हैया, पीके और दूसरे नौजवान नेताओं की मदद से पार्टी अपने पुराने ब्राह्मण, मुस्लिम, भूमिहार और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। इस अभियान में कन्हैया की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली थी क्योंकि कन्हैया भूमिहार बरादरी से आते थे और उन्होंने हाल ही में बिहार में मोदी सरकार द्वारा पारित नागरिकता कानून के खिलाफ संविधान बचाओ यात्रा का पूरे राज्य में सफल आयोजन किया था। उस यात्रा में मुसलमानों ने उन्हें जमकर समर्थन दिया था। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार में दो विधानसभा क्षेत्रों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हुए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के खाते में गया था, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को यहां से महागठबंधन का टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन राजद ने दोनों क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपने बल पर चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस चुनाव में उतरी भी, कन्हैया ने चुनाव अभियान में हिस्सा भी लिया, उनकी सभाओं में भीड़ भी जमा हुई, लेकिन दोनों सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। हालांकि राजद भी दोनों सीटें हार गई थी, लेकिन ये कन्हैया के लिए बड़ा धचका था। ऐसा माना जाता है कि राजद और कांग्रेस के बीच की अनबन की वजह कन्हैया कुमार थे। लालू यादव नहीं चाहते थे कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल हों। इसकी वजह ये बताई गई थी कि लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि तेजस्वी की तुलना किसी भी तरह से कन्हैया से हो। साथ में वो कन्हैया के इरादों से भी बखूबी वाकिफ थे। उन्हें डर था कि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से उनके मुस्लिम वोट बैंक में कुछ सेंध लग सकती है। इसलिए लालू यादव तब भी कन्हैया के खिलाफ थे और आज जब तेजस्वी बिहार के नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, आज भी वो नहीं चाहते कि कन्हैया का प्रभाव बिहार में बढ़े। लालू यादव ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल किए जाने को हल्के में नहीं लिया था, वो अब भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस को दो विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया था। बिहार में अपनी चुनावी वैतरणी पार कराने के लिए कांग्रेस को राजद का सहारा चाहिए, राजद का सहारा जदयू को भी चाहिए और लेफ्ट पार्टियों को भी चाहिए। इसलिए कन्हैया का बिहार वनवास जारी रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस की बिहार इकाई यानी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई युवा नेता आए और उनकी दुकानदारी खत्म कर दे। साथ में खुद कन्हैया की जाति के नेता भी किसी दूसरे हिस्सेदार को अपने सामने खड़े होते नहीं देखना चाहते। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कन्हैया को आगे करने से जेएनयू नारा प्रकरण को लेकर बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा देकर कांग्रेस को निशाना बनाएगी। जाहिर है इस तर्क में कोई खास दम नहीं है क्योंकि उस राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है या जहां की प्रदेश इकाई मजबूत है, वहां तो कन्हैया को आगे करने में कांग्रेस बीजेपी के हमले का डर महसूस करेगी। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वहां बीजेपी के देशद्रोही वाले हमले का क्या प्रभाव पड़ेगा? बहरहाल भले ही बिहार में कन्हैया को तरजीह न मिले जिसकी पहले उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में वो हर जगह दिखाई दिए हैं, उसे लगता है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद देने वाली है। जानकारों का कहना है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है या पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में राज्यसभा की सीट को लेकर वैसे ही मारामारी चल रही है। सीटें कम हैं, उम्मीदवार ज्यादा हैं।
कांग्रेस में कई ऐसे नौजवान नेता हैं जो राज्यसभा की सीट पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। पिछली बार जब कांग्रेस में नए नए शामिल नेता इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा भेजा गया था तो कांग्रेस के कई वफादार नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में कन्हैया को संगठन में कोई बड़ा पद तो दिया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा की सीट जरा मुश्किल है। जहां तक बिहार कांग्रेस का सवाल है, यहां उनका बनवास निकट भविष्य में खत्म होता नहीं दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।